गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। ब्रह्म मुहूर्त क्यों माना जाता है इतना खास, क्या होता है उसका सही समय और क्या होती है उसकी महिमा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे, प्रातः काल जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, जबकि प्रकृति माँ अपने दोनों हाथों से स्वास्थ्य, बुद्धि, मेधा, प्रसन्नता और सौंदर्य के अमित वरदान को लुटा रही होती है। तब हम सोए हुए रहते हैं, हमें ये ज्ञान भी नहीं होता कि प्रभात के पुण्य काल में पड़े पड़े हम प्रकृति के कितने वरदानों से वंचित हो रहे हैं। प्रातःकाल का समय, जिस समय मनुष्य को निद्रा छोड़ देना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, रात्रि के अंतिम पहर का जो तीसरा भाग है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। निद्रा त्याग के लिए यही समय शास्त्र विदित है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रातः काल की निद्रा पुण्य सत्कर्मों का नाश करने वाली है, इसीलिए आलस्यवश जो द्विज प्रातः ना उठे उसे पाद कृश्य नाम का व्रत करके उसका प्रायश्चित करते रहना चाहिए। भारतीय साहित्य के सबसे पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण में भी हमें इस संबंध में एक बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। हनुमान जी जगत जननी श्री जनक नंदिनी की खोज में अशोक वाटिका में पहुँचे। रात्रि का अंतिम प्रहर था। श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इस प्रकार सीता की खोज करते करते रात्रि थोड़ी शेष रह गई और तब हनुमान जी ने ब्रह्म मुहूर्त में वेदज्ञ और याज्ञिक पुरुषों द्वारा किए जाने वाले वेद पाठ को सुना। प्रातः जागरण में जिन लाभों का ऊपर हमने वर्णन किया है, ये कोरा वर्णन नहीं है बल्कि स्वास्थ्य शास्त्र सम्मत है। भैषज सार नामक ग्रंथ में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के सदृश सुंदर हो जाता है। प्रातःकाल उठने से इतने सारे लाभ क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रातःकाल की उस प्राण वायु में निहित है जो प्राकृतिक रूप से उस समय बहा करती है, जिसके एक एक कण में संजीवनी शक्ति का अपूर्ण सम्मिश्रण रहता है। ये वायु रात्रि में चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर बरसाए हुए अमृत बिंदुओं को अपने साथ लेकर बहती है, इसलिए शास्त्रों में से वीर वायु के नाम से कहा गया है। जो व्यक्ति इस समय निद्रा त्याग करके चैतन्य होकर इस वायु का सेवन करते हैं, उनका स्वास्थ्य, सौंदर्य, मेधा और स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन खुश रहता है और आत्मा में नव चेतना का अनुभव होने लगता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण रात्रि के पश्चात जब भगवान सूर्योदय होने वाले होते हैं तो उनका चैतन्यमय तेज आकाश मार्ग द्वारा विस्तृत होने लगता है। यदि मनुष्य इससे पहले सजग होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उपस्थान द्वारा उस प्राण आदि देव भगवान सूर्य की किरणों से अपने प्राणों में उनके अतुल तेज का आवाहन करने योग्य बन जाए तो वह पुरुष दीर्घजीवी बन जाता है। संसार के सभी महापुरुषों ने प्रकृति के इस अलभ्य वरदान से बहुत लाभ उठाया है। महात्मा गांधी प्रतिदिन रात्रि में 3 बजे उठकर ही अपने दैनिक कार्यों में लग जाया करते थे। एकांत और सर्वथा शांत वायुमंडल में जबकि मस्तिष्क बिल्कुल उर्वर होता है, ज्ञान तंतु रात्रि के विश्राम के बाद नव शक्ति युक्त होते हैं। मनुष्य यदि कोई बौद्धिक कार्य करे तो उसके लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रकृति के इस अमूल्य वरदान से लाभ उठाना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रातः उठकर बैठें। इस अभ्यास के लिए एक साधारण सा उपाय कार्य में लाया जा सकता है। रात्रि को सोते समय ईश्वर स्मरण के बाद हमें अपनी चैतन्य आत्मा से अपना प्रातः 4 बजे उठने का संकल्प जतला देना चाहिए और कहना चाहिए, मुझे प्रातः 4 बजे जगा देना। ये शत
प्रतिशत अनुभव की बात है कि प्रातः 4 बजे आपकी अवश्य ही नींद खुल जाएगी, और यदि फिर आलस्य में आप ना पड़े रहे तो फिर बिना किसी घड़ी की सहायता से आप रोज़ उठने लगेंगे। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु का कहना है कि 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता पहले से रही है। यदि आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो ये बीज आपको सबसे ज़्यादा फल देगा। सूर्य जब आपके बिल्कुल सीध में होता है, आपके सिर के बिल्कुल 90° का एंगल बनाता है, उस समय 3:40 से लेके 12 से 20 तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का सबसे ख़ास समय होता है। इस समय हम ध्यान भी कर सकते हैं, कोई यौगिक क्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप उस मंत्र में या उस क्रिया में दीक्षित होंगे। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है, इसका मतलब ये है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित करा करके सिस्टम में से बाकायदा स्थापित किया गया हो। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि 3:40 का वक्त हो गया है, क्योंकि ये वक्त होते ही आपके शरीर में एक अलग तरीके का व्यवहार होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलना चाहता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए और उठकर उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। चाहे आप दीक्षा लेकर मंत्र का जाप करें या फिर योगासन करें या प्राणायाम करें, लेकिन ये समय आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराएगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।